यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज बाबा राघव दास में मासूमों की मौत पर केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और स्वास्थ्य सचिव को गोरखपुर भेजा है। तो वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके मामले पर दुख जताया और मामले पर नजर रखने और अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहने की बात को कहा। पीएम मोदी ने इस मामले पर राज्य के सीएम से बातचीत की और मामले की विस्तार से जानकारी ली। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने मासूमों की मौत के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के आरोपों को खारिज किया। मानना पड़ता है कि जब मेडिकल कॉलेज खाली बीआरडी में नहीं कहीं भी आते हैं, मेडिकल कॉलेज कहीं भी देश भर में भी होएगा, तो वो लास्ट स्टेजेस में ही आते हैं गांव के लोग, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो सेंटर्स होते हैं वहां पे उन लोगों को इलाज पूरा नहीं मिलता, ना ही वो उस उपचार के लिए उन लोग सक्षम हैं। बीआरडी कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद यूपी सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। तो वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने सरकार के निलंबन से पहले पद छोड़ने की बात को कहा। उससे पूर्व ही मैंने अपना इस्तीफा जो है लिख लिया था। इन मासूमों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए मैं प्रधानाचार्य के पद से इस्तीफा देता हूँ। हमारे यहाँ इनकेफ्लाइटिस की वजह से नहीं है, तो रूटीन है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। उस पीरियड को पूरा आप देख लीजिए, कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अगला स्टेप सर आपका क्या होगा? अगला स्टेप के लिए मुझे प्रधानाचार्य अब नहीं बनना है, मैं उन्हें उसके लिए पूर्ण रूप से इस्तीफा दे रहा हूँ। मासूमों की मौत के बाद सरकार अपनी छवि की भरपाई के लिए कदम उठा रही है, तो वहीं सरकार के उठाए कदम उस पर भारी पड़ रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।